हम खबर से आपको आगाह करेंगे। पंजाब के आइंदा बजट के लिए इजलास, सूबे में नए दानिश स्कूल ना बनाने का फैसला किया गया। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास का दानिश स्कूल पर सख्त मौकफ, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद आबिद बताइएगा, पंजाब के आइंदा बजट के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं और दानिश स्कूलों के हवाले से भी अहम फैसले किए गए। जी बिल्कुल, लाहौर में आज वजीर खजाना पंजाब की सरबराही में बजट स्ट्रेटेजिक कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें जो सबसे अहम इशू रहा वो दानिश स्कूल का रहा, जिस पर वजीर स्कूल एजुकेशन मुराद रास का सख्त मौकफ सामने आया। हमारे जराये के मुताबिक उन्होंने कहा कि दानिश स्कूल पर जितना खर्च हो रहा है इतना इसका फायदा नहीं है, इसलिए इस मंसूबे को हमारी हुकूमत आगे लेकर नहीं चलेगी और नए दानिश स्कूल तो कतई तौर पर नहीं बनाए जाएंगे, जबकि जो मौजूदा दानिश स्कूल में जिनमें हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए मजीद एक कमेटी में इस पर सोच विचार करेंगे। और ताहम उनका मौकफ ये था कि इन बच्चों को हमारी कोशिश होगी कि आम स्कूलों में दाखिले दें और इनकी माली मामनत जारी रखें, जबकि जो इमारतें हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करें और वहां पर रिसर्च वर्क ज्यादा किया जाए। ताहम इस बारे में अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये उन्होंने वाजे कर दिया है कि हतमी फैसला नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।